हेलो एक्सपीरियंस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो हमें देखना है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्या है। ये बेसिकली कार की सेफ्टी को लेकर एक रेटिंग प्रोग्राम है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी के हाथ में ये रेटिंग को लेकर चीज़ें हैं। तो इसके बारे में हम होलिस्टिक व्यू में पढ़ लेते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वील सी वाई न्यूज, वील सी अबाउट दिस प्रोग्राम, इसके फीचर्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये होगा तो इसमें चैलेंजेस भी होंगे इंप्लीमेंटेशन में, तो हम उसके बाद इसके चैलेंजेस पढ़ते हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज। सो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हैं, इन्होंने ये इसको लॉन्च किया है, जो रोड सेफ्टी है भारत में उसको एनहेंस करने के लिए। ये जो ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है उससे एक्चुअली इंस्पायर हुआ है, जो ग्लोबल व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करता है। अब भारत का ये प्रोग्राम क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का, जो कमिटमेंट होता है कि रोड सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए उसमें। सो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाएंगे इसमें मोटर व्हीकल्स के, जो लगभग 3.5 टन्स के हैं या 3500 किलोस के जो होते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है इसका एम है कि एक टूल प्रोवाइड करेगा कार कस्टमर्स के लिए, ताकि वो एक कंपेरेटिव असेसमेंट कर पाए जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी सेफ्टी क्या है मार्केट में। अब फीचर्स क्या हैं इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा। जो भारत एनसैप है इसके जो एम है, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना है, पर्टिकुलरली उन व्हीकल्स की जो अप टू 3.5 टन से। ये इनिशिएटिव जो है ये व्हीकल की सेफ्टी पर एम्फसाइज करेगा, दोनों जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए और जो बाहर पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं उनके लिए। ये जो है ये पैसेंजर व्हीकल्स से लेकर के मैक्सिमम जहां 8 व्हीकल्स की जो सीट्स होती हैं, जैसे एसयूवीज हैं, बड़ी रेंजेस कार हैं, स्कॉर्पियो बुलेरो एंड ऑल हैं, जिनका ग्रॉस वेट जो है वो 3500 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कुछ स्मॉलर व्हीकल्स जैसे कि आपका, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, जो कार मैन्युफैक्चरर्स होंगे ये इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड बाई डूइंग सो ये जो उनका कमिटमेंट है कि वो व्हीकल और इसमें के बाद वो व्हीकल मॉडल्स को क्रैश टेस्ट के लिए देंगे, एंड मोर ओवर सेफ्टी इवेल्यूशंस के लिए, ताकि उनको सेफ्टी स्टार रेटिंग मिल पाए। जैसे कि आप रेटिंग्स देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, 5-स्टार रेटिंग होती है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, सेम वुड बी अप्लाई फॉर द कार्स। अब सेफ्टी स्टार रेटिंग्स, तो व्हीकल्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इनको एवेल्यूएट किया जाएगा उनके क्रैश टेस्ट करके, उनके सेफ्टी असेसमेंट दे करके, एंड उसके बाद उनको एक स्टार रेटिंग दी जाएगी जिसमें 1 से लेकर 5 स्टार्स तक होंगे। ये जो रेटिंग है ये कंज्यूमर्स को एक्चुअली और ज़्यादा क्लियर और एक इजी अंडरस्टेबल इंडिकेशन होगा कि ये जो व्हीकल है इसका क्या सेफ्टी लेवल है। अब टेस्टिंग पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 क्रूशियल पैरामीटर्स है इसमें। पहला कि जो उसमें एडल्ट्स बैठे हैं, जब क्रैश का इवेंट आएगा तो वो किस हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उन एडल्ट्स को। इसके अलावा जो बच्चों की ऑक्यूपेंसी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो ये पैरामीटर व्हीकल की इफेक्टिवनेस देखता है कि जो यंग पैसेंजर्स उसमें जो मूव कर रहे हैं कोलिजन के टाइम पे उनको कैसे ये सेफ गार्ड करता है। इसके अलावा जो थर्ड है दैट इज सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न व्हीकल्स जो होंगे ये जो नई नई सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज होंगे इनसे इक्विप होंगे, तो ये पैरामीटर उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी प्रेजेंस को, जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको एक्चुअली एग्जामिन करेगा कि वो कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में या उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प कर रही हैं। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या 1.5 लाख लोग एनुअली रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, तो भारत एनसेफ एक्चुअली इन्हीं कैजुअलिटीज को रिड्यूस करने का इसका एक एम है, ताकि हम सेफर व्हीकल्स का प्रोडक्शन को एंकरेज कर सकें। अब क्योंकि अगर हम व्हीकल सेफ्टी इंप्रूव करते हैं तो जो हेल्थ केयर या इंश्योरेंस सेक्टर पर जो बर्डन है ये भी कम होकर आएगा, और सोसाइटी पर और बहुत ज़्यादा इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी इंक्रीज होंगे। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये कंज्यूमर्स को एम्पावर करेगा, क्योंकि जब जो सेफ्टी स्टार रेटिंग्स हैं ये क्रैश टेस्ट पर और बाकी असेसमेंट पर होगी, तो कंज्यूमर्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम इससे दे पाएंगे या गवर्नमेंट दे पाएगी कि वो सेफ्टी लेवल, जो अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उन रेटिंग्स को देख कर, जब भी वो व्हीकल खरीद रहे हैं। मोरओवर ये हेल्दी कंपटीशन इंप्रूव करेगा, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे टाटा हैं एंड ऑल, तो ये और ज़्यादा सेफर मैन्युफैक्चर व्हीकल ये बनाएंगे। मोरओवर मैन्युफैक्चरर्स को जब हायर सेफ्टी रेटिंग्स मिलेगी, उनकी बेसिकली सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो वो उसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स उसमें लगा पाएंगे।
एंड देयर फोर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा ड्यू टू दिस हेल्दी कॉम्पिटिशन. देन मोर ओवर व्हीकल सेफ्टी को एलिविएट भी करता है ये. भारत एनसेप जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी और क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकल के उनको इंक्रीज करने के लिए. जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये बेसिकली इनको प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि सेफ्टी फीचर्स को एनहेंस करें, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करें. तो व्हीकल्स जो होंगे जो बेटर दे वुड बी बेटर इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स जो उसमें बैठे हैं एंड मोर ओवर जो पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं क्रैश के केस में. मोर ओवर ये सेफ्टी इम्प्रूवमेंट में भी बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा. जो इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो ये एनसैप लेकर आया है ये ओवरऑल रोड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे. जो सेफर व्हीकल्स हैं ये सिवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स को कम कर देंगे, इंजरीज को मिनिमाइज कर देंगे, अल्टीमेटली लाइफ इससे बच पाएगी. जो सोसाइटल बर्डन आता है रोज एक्सीडेंट्स को लेकर के ये रिड्यूस हो पाएगा. वट आर द चैलेंजेस विच वी फेसेस दिस प्रोग्राम फेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्स रोड कंडीशंस. इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली ग्रेटली डिफरेंट है. जैसे कि कंजेस्टेड अर्बन रोड्स हैं. इसके अलावा आप गांव के हास्ते में चले जाएंगे तो आपको पुअरली मेंटेन्ड हाईवेज भी दिखेंगे. तो अलग अलग रोड कंडीशंस के हिसाब से व्हीकल की जो क्रैशेज होती है वो अलग हो जाती है. अब ऐसे में वन साइज फिट फॉर ऑल सेफ्टी असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. मोर ओवर जो अफोर्डेबिलिटी या मार्केट डायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो भारत में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बजट फ्रेंडली व्हीकल्स लेने में वो लोग बिलीव करते हैं तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं देखते. इसके अलावा भी हम इस पर अभी बात कर लेते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखाएगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो अगर सेफ्टी फीचर्स डालते भी हैं तो वो कैसे डालेंगे, क्योंकि बजट से फिर ऊपर चीज़ें होने लगेंगी. तो अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी के बीच में बैलेंस बनाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा. अब वेराइटी ऑफ व्हीकल्स. इंडिया का जो ऑटोमेटिव मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जिसमें आपका जो क्रैश टेस्ट डिज़ाइन करना कॉम्पैक्ट कार से लेके एसयूवीज तक का, ये एक थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. इसके अलावा कंज्यूमर और उनकी प्रेफरेंस की बात करेंगे तो खास करके इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं वो डिज़ाइन ज़्यादा देखते हैं, फीचर्स देखते हैं या प्राइस देखते हैं उस चीज़ का, सेफ्टी रेटिंग्स कम ही लोग देखते हैं. एक तरीके से कंज्यूमर्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करना सेफ्टी रेटिंग्स को लेकर के, उनको कन्विंस करना बायर्स को कि वो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें अदर फीचर्स के मुकाबले, तो ये एक चैलेंज है. देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? टॉक्सिक, हैजार्डस, नॉन टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस. यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. देन लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट. देन वी हैव आवर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी इन इंडिया एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस the country faces in achieving it? What strategies and initiatives can be implemented to pave the way forward toward a safer road environment for all? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day and stay tuned to the NLSTIS for your better preparation.